हेमा ने फिल्मी दुनिया में 4 दशकों तक सफलताओं को बरकरार रखने के साथ राजनीति में भी काफी शोहरत पाई है। 2014 लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार एवं तत्कालीन सांसद जयंत चौधरी को हराकर भाजपा से मथुरा की सांसद चुनी गई थी हेमा मालिनी। इस जीत के बाद वे दोबारा यहाँ से सांसद बन गई है। राजनीति में हेमा की शुरुआत तो 1999 के ही हो गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से उन्होंने 2004 में भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। 1999 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा से विनोद खन्ना की उम्मीदवारी का प्रचार किया, तभी से उनकी राजनीति में आने की बातों पर कयास लगाए जा रहे थे, जिसकी पुष्टि उन्होंने 2004 में की। तमाम अटकलों के बाद पार्टी ने हेमा पर 2019 के लिए भरोसा जताया, जिस पर हेमा खरी भी उतरी हैं। फिल्मों में खास रुचि न होने पर आज हेमा मालिनी सुपरस्टार है। अभिनय के शुरुआती दौर में उन्होंने दक्षिण भाषी फिल्मों में प्रयास किए, जिसमें उन्हें फिल्म निर्माता ने ये कहकर मना कर दिया था कि हेमा में कोई स्टार अपील दिखाई नहीं देती है, जिसे हेमा ने चुनौती के रूप में लिया और उसका परिणाम आज हम साफ देख सकते हैं कि हेमा ने फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। हेमा ने अपनी कला के माध्यम से कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। ऐसे में सामने आया हेमा धर्मेंद्र के प्यार का राज। फिल्मी पर्दे पर हेमा और धर्मेंद्र की जोड़ी को बहुत सराहा गया। उस दौर में हेमा को शादी के लिए कई अभिनेताओं ने मनाया, लेकिन बाजी तो धर्मेंद्र ने ही मारी। हेमा और धर्मेंद्र की प्रेम कहानी के कई किस्से जो काफी चर्चित रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान का है, जब उन दोनों ने शूटिंग के बीच अकेले समय बिताने का मन बनाया। इस बीच फिल्म के निर्देशक धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को चेन्नई स्थित उस होटल में ढूंढ रहे थे जहाँ शोले की पूरी स्टार कास्ट ठहरी हुई थी। निर्देशक इन दोनों को ढूंढते हुए इनके कमरे में पहुंच गए। यहां हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक चादर में लिपटे हुए थे। ये देख निर्देशक ने मस्ती करते हुए इन दोनों की तस्वीर ले ली। बाद में ये तस्वीर सबके सामने आ गई और काफी चर्चा में रही। इस तस्वीर के उजागर हो जाने के बाद हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप दे दिया और फिर दोनों ने शादी कर। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।